खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात की बात कर लेते हैं, जिसका यह दूसरा मरहला है। 65 में से 8 नशस्तों के गैर हतमी गैर सरकारी नतायज मुकम्मल। JUI 4 सीटों पर कामयाब, 3 आज़ाद उम्मीदवार भी जीते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 1 नशस्त पर कामयाब करार पाई है। गैर हतमी गैर सरकारी नतायज के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात फेज़ 2 के नतज आने का सिलसिला जारी है। तहरीक इंसाफ को 27 नशस्तों पर बरतरी हासिल है। JUI की 7 जमात इस्लामी की 5 नशस्तों पर बरतरी। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का यह दूसरा मरहला है। 65 में से 8 नशस्तों के गैर हतमे गैर सरकारी नतज आ गए हैं, जिनके मुताबिक JUI 4 सीटों पर कामयाब और 3 आज़ाद उम्मीदवार भी जीत गए। पाकिस्तानी सफीर के मुरासले में हुकूमत को धमकी देने के मामले पर सीनियर अमरीकी सफारतकार को दफ्तर खारिजा तलब करके शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। दफ्तर खारिजा के ज़रा के मुताबिक वजारत खारिजा हुकाम ने अमरीकी सफारतकार को एहतजाजी मुरासला थमा दिया, जिसमें पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत और अमरीकी सीनियर अहदेदार के इस्तेमाल करदा अल्फाज पर शदीद एहतजाज किया गया। अमरीकी सफारतकार को कौमी सलामती कमेटी इजलास की रोशनी में तलब किया गया था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि 7 मार्च को किसी मुल्क से पैगाम आया, धमकी आमेज़ खत लिखने वालों को तहरीक अदम एतमाद का पहले से इल्म था। कहा गया तहरीक कामयाब ना हुई तो मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। 3 स्टूजेस के इन लोगों से राबते थे। आवाम बताएं हमारी हैसियत क्या है, क्या हम उनके नौकर हैं? हमेशा कहा किसी के सामने झुकूँगा ना कौम को झुकने दूँगा। वज़ीर आज़म कौम से खिताब कर रहे थे। हमें एक अमरीका ने एक अमरीका ने एक बाहर से मुल्क ने, मैं नाम मतलब मेरा कि किसी और बाहर से मुल्क से हमें मैसेज आती है, ये है तो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ ही सिर्फ, लेकिन ये हमारी कौम के खिलाफ है। उस मैसेज में वाज़े ये लिखा हुआ है कि जनाब अगर ये जो अदम एतमाद, और उनको पहले से ही पता था, अभी एतमाद या दर्ज नहीं हुई थी, इसका मतलब कि ये जो हो रहा था ये पहले से ही इनके बाहर की लोगों से रابطे थे। वो ये पाकिस्तान की क़यादत या पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है, वो सिर्फ इमरान खान के लिए एक बहाना मारते हैं कि हमें क्यों गुस्सा पाकिस्तान पे, लेकिन कहते हैं कि वो गुस्सा तब बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इमरान खान चला जाता है तो पाकिस्तान को माफ़ कर देते हैं। अगर ये इमरान खान के खिलाफ फेल हो जाती है तो फिर पाकिस्तान को एक मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ेगा। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, हमारे रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसडर को नोट्स ले रहे थे लोग। कहा गया कि अगर इमरान खान रहता है वजीर आजम तो हम आपके साथ हमारे आप ताल्लुकात भी खराब हो जाएंगे और आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। हमें एक कोई बाहर का मुल्क और कोई वजह भी नहीं बताया, कोई इसमें कोई वजह नहीं, बस ये कोई एक नहीं पसंद आपकी फॉरेन पॉलिसी, पता नहीं कोई वजह क्या बता रहे हैं कि जी आप रूस चले गए, वो तो और यूरोपियन लीडर्स भी रूस चले गए थे, लेकिन खास पाकिस्तान को कि आप क्यों चले गए हैं, जिस तरह कि हम कोई उनके नौकर हैं। उनके रابطे उन लोगों से हैं जिनके जरिए ये सारी साजिश हुई है, जो यहाँ बैठे हुए हैं, और यहाँ कौन बैठे हुए हैं? 3 स्टूजेस। स्टूजेस का मतलब होता है जो कि बड़े वफादार गुलाम होते हैं। चाह ये रहे हैं कि इमरान खान जाए, लेकिन अगर ये आ जाए वापस, ये जो अभी जिन्होंने अदम एतमाद किया हुआ है, तो फिर सब ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि क्या ये अपने मुल्क के अंदर इजाजत देंगे किसी को क्यादत में आने के लिए, जिनके ऊपर नैब के केसेस हों, जिनके ऊपर अरबों रुपए के केसेस इनकी अदालतों में हों, वो जो कि एक मुजरिम डिक्लेयर कर दिया गया पाकिस्तान की अदालत ने, जो कि झूठ बोल के भागा हुआ है, क्या अपने मुल्क में इस तरह के लोगों को एक क्यादत पे आने देंगे? और शहबाज शरीफ उसकी स्टेटमेंट कि जी इमरान खान ने बड़ी गलती की, एब्सोल्युटली नॉट, कह के यानी ये जो इनके दौर में मैं एब्सोल्युटली नॉट क्या था, मैंने सिर्फ ये बात कही कि हम अमन में आपके साथ हैं, हम जंग में आपके साथ नहीं हैं।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि हमेशा कहा किसी के सामने झुकूंगा ना कौम को झुकने दूंगा, इस्तीफ़ा नहीं दूंगा बल्कि डटकर मुकाबला करूंगा, साजिश नाकाम बना दूंगा। तहरीकी आदम एतमाद पर इतवार को वोटिंग, मुल्क के मुस्तकबिल के फैसले का वक्त आ गया, 3 अप्रैल को पता चलेगा पाकिस्तान ने किस तरफ जाना है। कौम से खिताब में कहा कि चैलेंज है, 3.5 साल में 30 साल से ज़्यादा काम किया। पाकिस्तान एक उस अंग्रेज़ी में कहते हैं डिफाइनिंग मोमेंट पे है, एक फैसला कुन वक्त पे है कि हमने दो रास्ते हमारे सामने हैं, हमने कौन सा रास्ता लेना है। खुददारी है ना, ये एक आज़ाद कौम की निशानी होती है। जो हमारे पर ये वॉर ऑन टेरर के अंदर जिस तरह की पाकिस्तानियों को जिल्लत मिली, मैंने हमेशा एक चीज़ कही, ना मैं कभी किसी के सामने झुकूँगा और ना अपनी कौम को किसी के सामने झुकने दूंगा, यानी अपनी कौम को किसी की गुलामी नहीं करने दूंगा। जब जनरल मुशर्रफ हमें अमेरिका की जंग में लेके गए, इसी कमरे के अंदर हमें कहा गया कि जी ओ अगर हमने अमेरिका की हिमायत ना की तो अंग्रेजी का लफ्ज वाउंडेड बेयर की तरह है, एक जख्मी रीछ की तरह है, वो हमें भी हमें ना उस समय शायद हमें ना मार दे। मैंने कहा कि हमारा उस जंग से कोई लेना देना नहीं था, 9/11 में कोई पाकिस्तानी मुलव्वस नहीं था। इतनी ज्यादा कुर्बानियां दी अपने मुल्क की, इसका कोई क्रेडिट मिला पाकिस्तान को? यहाँ हमारे लोगों को बार बार कहा गया कि डू मोर, कभी आपने और नहीं किया। कोई हमारे सीनियर पॉलिटिशियन लीडर्स ने कोई बात नहीं की, डरे हुए हैं, खौफ ज़दा, कहीं अमरीका ना नाराज हो जाए। हमारी हुकूमतों ने पूरी तरह इस जुर्म में शिरकत की। मैंने पहले दिन से ये कहा कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान के लोगों के लिए होगी, हम कोई ऐसी फॉरेन पॉलिसी नहीं बनाएंगे जो कि किसी और की तो बेहतरी हो लेकिन हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचे। मैं चैलेंज करता हूं कि 3.5 साल में जो पाकिस्तान में हुआ है कि इनके किसी दौर में नहीं हुआ। तो ये जो अब सारे इकट्ठे हैं, ये अब कौम ने फैसला करना है कि क्या ये जो वोट होनी है संडे को, इसमें कौन किधर जाएगा। मुझे लोगों ने, किसी ने कहा जी वो इमरान खान आप रिज़ाइन कर दें, मैं रिज़ाइन कर दूं? मैं कभी हार जिंदगी में नहीं मानी। मैं तो वोट का जो भी रिजल्ट हो जाए आप देखेंगे कि मैं तो उसके बाद और ज़्यादा तकड़ा होकर सामने आऊँगा जो भी रिजल्ट हो। कि ये कोई नज़रियाती नहीं हो रहा, ये सिर्फ और सिर्फ ज़मीरों का सौदा हो रहा है, ये अपने मुल्क का सौदा हो रहा है। जो हमारे लोग अपना सौदा करके वहाँ बैठे हुए हैं, मैं अभी भी आपसे ये कहता हूँ कि हमेशा के लिए ये आपके ऊपर एक मोर लगने लगी है, ये हमेशा के लिए लोग याद रखेंगे कि आपने अपने मुल्क का सौदा किया। अगर आपका ये ख्याल है कि ये साजिश को कामयाब होने देंगे, मैं इसके सामने खड़ा हूँगा, स्ट्रगल करके यहाँ पहुँचा हूँ, मुझे स्ट्रगल करनी आती है, मुकाबला करना आता है, मैं किसी सूरत इस साजिश को कामयाब नहीं होने दूंगा। शहबाज शरीफ ने कहा है कि इमरान नाज़िर ने नवाज शरीफ पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए, आलमी ताकतों को भी मुलव्वस किया, क्या आटा चीनी महंगी करना बैरूनी साजिश थी, बद तहजीबी का नाम आज़ाद खारजा पॉलिसी नहीं। वो रकान पार्लियामेंट के एजाज में ईशाइये से खिताब कर रहे थे। नवाज शरीफ के खिलाफ कितने तुमने जहरीले इल्ज़ाम लगाए हैं, कितने बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए हैं कि इसराइल के हवाले से और आलमी ताकतों से साजबाज के हवाले से और खारजी साजिश के हवाले से, शर्म नहीं आती आपको? क्या ये बैन अल-अक़वामी साजिश थी कि इस मुल्क के अंदर महंगाई को आसमान तक पहुँचा दी और गरीबों की जेबें लुट गई, कट गई? क्या ये बैन अल-अक़वामी साजिश थी कि इस मुल्क के अंदर चीनी जो है वो 50 रुपए से 100 रुपए पहुंच गई? आपने तो मुल्क को तबाह कर दिया और आप बैन अल-अक़वामी साजिश का नाम देते हैं, किसको आप धोखा दे रहे हैं? क्या ये गैर बैन अल-अक़वामी साजिश थी कि आपने LNG गैस के अरबों रुपए के स्कैंडल किए और आपने दवाइयों के मैदान में खरबों अरबों रुपए के स्कैंडल किए? ये क्या बैन अल-अक़वामी साजिश थी? लेकिन रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अगर अमेरिका हमसे तंग होता तो हमें IMF और वर्ल्ड बैंक से कर्जे ना मिले। सियासी दिवालिया शख्स के पास इल्जामात के अलावा कुछ नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि अब NRO नहीं मिलेगा। एहसन इकबाल और साद रफीक ने कहा कि इमरान जहनी तौर पर खिसक गए, उनकी हालत काबिल रहम है। उन्होंने बाकायदा अमरीका का नाम लिया है। अगर अमरीका हमारे खिलाफ है या अमेरिका हमें तंग करना चाहता है या हम पे ज़िंदगी अजीरन करना चाहता है तो ये IMF के कर्ज़े हमें ना मिलें, हमें जो है FATF में ग्रे से ब्लैक में जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाए,
GSP प्लस जो है वो फैसिलिटी हमें मुहैया ना की जाए, अमरीकी दुश्मनी की कोई शहादत नहीं मिलती सवाए ये मरासला जो वो लहरा रहे हैं और वो हमारे एम्बेसडर का लिखा हुआ है, उसको पॉलिटिकल इशू जो है ये बनाया जा रहा है। अब आलम दीन भी बन गए हुए हैं, सियासत उनको आई नहीं है चार साल में, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हो गया, तो हो सकता है जंगलों की राह ले लें, कोई और को साधु बन जाए। सिर्फ अपनी करप्शन को छुपाने के लिए आज ये तरह तरह की बातें करते हैं, कभी NRO मांगते हैं, इंशाल्लाह ये NRO नहीं मिले। मैं समझता हूँ कि इमरान नियाजी साहब को नफ्सियाती मुआयने की ज़रूरत है और वो पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी थ्रेट बन चुके हैं। इमरान खान साहब बुनियादी तौर पे मेरा ख्याल है कि ज़हनी तौर पे खिसक गए, उनकी हालत पे अब तरस आता है, वो काबिले रहम हालत है उनकी कि वो उनको अपने सिवाय बाकी सब गद्दार नज़र आ रहे हैं। ये साजिश आपने अपने खिलाफ खुद की है। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा है कि कौमी सलामती कमेटी के एलामे के बाद बहस ख़त्म हो जानी चाहिए। अपोजिशन ने पार्लिमानी कमेटी बरए कौमी सलामती का अजलास बुलाने के कहा लेकिन खुद शिरकत नहीं की। अगर वो साजिश का हिस्सा नहीं तो खत देखने क्यों नहीं आए? अब तो बहस खत्म हो जानी चाहिए ना कि ये हकीकत है नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी एक इंतहाई मुक्तदर फोरम है, वहां पर तमाम तफसीलात शेयर की गई, उनको देखने के बाद एलामिया जो बाहर निकला है वो ये कह रहा है कि ये हकीकत है, वो ये कह रहा है कि ये पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत है, वो ये कह रहा है कि जिस मुल्क ने ये किया है उसके साथ ये टेकअप करना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के अंदर भी यही राय आई थी कि पार्लियामान की जो कमेटी है नेशनल सिक्योरिटी को की उसको जो है ब्रीफिंग किया जाए, इसीलिए आज ये अभी हमने इजलास किया था। बदकिस्मती ये है कि अपोजिशन जो कहती थी कि अगर हमें बता दिया जाए तो हम जो है वो फिर हम भी अदम एतमाद के से चले जाएंगे, उन्होंने पहले हम तो नेशनल असेंबली के हॉल में कर रहे थे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग शिरकत कर सके, पहले उन्होंने उसके खिलाफ वोट डाला कि वो हॉल नहीं यूज कर सकते, फिर यहां पे उनका कोई नुमाइंदा नहीं आया। तो ये शायद इसलिए नहीं आए कि वो कह रहे हैं कि आपको तो अभी पता चला है, हमें पहले से पता था, शायद इसलिए नहीं आए थे। लेकिन बदकिस्मती है कि इतने बड़े कौमी सूरत हाल के अंदर भी जो है अपोजिशन जो है वो सियासत को तरजीह। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात हुई जिसमें तहरीक अदम एतमाद पर तबादला ख्याल हुआ। पार्लियामेंट में वोटिंग के रोज़ कारकुनों को मिलाने पर भी मशावरत की गई। इजलास में सिंध बलूचिस्तान के गवर्नर्स, वफाकी वज़रा अली ज़ैदी, फवाद चौधरी और हम्माद असद शरीक हुए। क़ायदे ऐवान सेनेट शहजाद वसीम, शहबाज गिल, फैसल जवैद और आमिर कियानी ने भी इजलास में शिरकत की। इजलास में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल का जायजा लिया गया। पार्लियामेंट में वोटिंग के रोज़ कारकुनों को बुलाने पर भी मशावरत हुई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद कहते हैं कि इजलास मुलतवी करने से कुछ नहीं होगा, एक दिन वोटिंग तो कराना ही पड़ेगी। इमरान खान अब अपना कायदे हिजब इख्तलाफ का उम्मीदवार ढूंढे, अपने मुशीरों को डंडा मारें जिन्होंने वजीर आजम को सियासी तन्हाई का शिकार कर दिया। मुशीरों की बात मानकर इमरान खान बंद गली में पहुँच गए। ये विदिन रूल्स रहना चाहिए, ये जमहूरियत है, चलते रहना चाहिए। कितनी देर भागे आप अक्सरियत नहीं है, आप नामजाद किस लिए, लीडर ऑफ दी पोजिशन के लिए नामजाद कर सकते हैं। खान साहब को मैं कसम से यही कहता था, ये जो आपके एडवाइजर है जिन्होंने कभी इलेक्शन लड़ा है, जो आपको अपोजिशन की पार्टियों से लड़ाते हैं, कभी किसी इदारे से लड़ाएंगे, कभी किसी से लड़ाएंगे, अभी उन्होंने खान साहब को बंद करके भेजा है, आप उनको पहचान। एमके पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने हुकूमत को मशवरा दिया है कि उसूलों से भागने से बेहतर है उनका सामना किया जाए। PTA की तरफ से अगर हमारे खिलाफ कोई बात नहीं की जाएगी तो बदहदा भी नहीं करेगी। वो पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से बात कर रहे थे। उससे भागने से ज़्यादा बेहतर है उसको तो आखिरी बताया हुकूमत को अभी भी लग रहा है कि एमके वापस आ जाएगी। इमरान से ये कहा है कि एमके के खिलाफ कोई बात नहीं करना है, ये नहीं करनी चाहिए क्योंकि एमके भी नहीं करती किसी के खिलाफ। आज भी हमने कल भी कहा और आज भी कहा कि सियासत में शराफत को अब तो लेके आ जाए। न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। खबर की दुनिया।